स्वागत करुच्छे आपको आईसीएस टिप्स मो प्रभात। तो देखो आज आम जनरल साइंस रो जो आम सीरीज को कंटिन्यू करते तार पार्ट सिक्स रिजे क्वेश्चन डिस्कशन करवा टॉप 500 क्वेश्चन जो सीरीज थी तार यहाँ हूँ पार्ट सिक्स रही है। तो आपने जब प्रीवियस पांचटी वीडियो देखी ना वन्स विजिट कर देखी ना जोटा बहुत ही हेल्पफुल रोक या सहित कही रखुच्छे मुझे जनरल साइंस ऑलरेडी आपर ए आई अमीन एस एफ एस सी जो आप सीरीज थी से बहुत गुड़े जनरल साइंस क्वेश्चन लगभग आपंकर 300 रु 400 क्वेश्चन कवरअप कर सारी एपंकरी 100 क्वेश्चन कवरअप हो सारे है। तो वीडियो स्टार्ट करने आप सबुदिन पर आज आपंपाई गोटे रही एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन रही है ना इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर लाइकली टू बी द हाएस्ट। तो देखो दिन टेम्परेचर और रातिर टेम्परेचर भितर डिफरेन्सटा सबुठ हाएस्ट निम्नक्त मध्य आपंकर कौ एरिया यार आंसर आपने जनातु कमेंट बॉक्स में राइट आंसर को मिल जाए मो तरफ आप गोटे सुंदर हार्ट देखा मिल जाए। जदि आपने वीडियो को लाइक करना गोटे वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं सांग भी वीडियो को शेयर कर दिंतु ता सहित देखते आपने वीडियो शेयर करूना कि तो फास्ट वीडियो को शेयर करमती अधिकार अधिका पिला जोड़ी हो पारे ता सहित वीडियो को सब्सक्राइब करूँ चैनल को आम सब्सक्राइब कर पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखि थांतु कारण मुझे जहाँ भी वीडियो आपको अपलोड करी ना सर्वप्रथम आप तार नोटिफिकेशन आप पहुँची बुझे। तो डेरी नक चलते अच्छे फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करवा बर्तमान देखा कि आपंकर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन दे देखु आटलिस्ट डैश ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरिड आउट बाय द आल्गे थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस रे आपंकर आल्गे केते परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करुच्छी कैरिड आउट करुच्छी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रे जोटा कि रोचे आपंकर ए हाफ ऑप्शन टू हो रईट आंसर जोटा कि रोचे आपत अप्रोक्सीमेट 50% रोच एटा इंपोर्टेंट रही है आपंप बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रही है हेला। तो ये जगह आम जो देखिए ये जो रही कि आप कार्बन फिक्सेशन रोच कौन तो कार्बन फिक्सेशन मेन प्रोसेस रोच कौन ना फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन फिक्सेशन कौन रोच आपंकर कार्बन कन्वर्ट हो गए कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड कोठी की आपंकड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो रही कि आपंकर कार्बन डाइऑक्साइड मेनली कार्बन डाइऑक्साइड आप कौन होती आपंकर फोटोसिंथेसिस कौन हो कार्बोहाइड्रेट को फॉर्मेशन रोचा हूँ आपंकर इंपोर्टेंट रही गोटे क्वेश्चन दे देखा कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। तो निम्नक्त मध्य आपंकर कौटा गोटे एग्जांपल रोच आपंकर मोनोसैकेराइड मो आप गोटे स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड ये तीन टा विषय डिस्कशन करे। तो मोनोसैकेराइड रोच किए आपंकर जोड़ा रोच आप ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज ये रोच कौन आप सब जो रहा कि आप मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड किए रोच आप लैक्टोज मालाक्टोज और सुक्रोज एवं पॉलीसैकेराइड किए किए तो पॉलीसैकेराइड किए किए आपको यहाँ कमेंट बॉक्स जन पड़े देखिए कि आपंकर केत जानते क्या मुझे अलरेडी डिस्कसन करी है पॉलीसैकेराइड किए किए आपने कमेंट बॉक्स जन। तो जेहेतु आम मोनोसैकेराइड कथा देचे जाए तो निम्नलिखित मध्य आप मोनोसैकेराइड किए हो तो फास्ट तो कहली कि आपको ग्लूकोज हो गोटे किए अच्छे फ्रुक्टोज हो तो ये दीज हूँ कौन आप मोनोसैकेराइड। तो यह राइट आंसर कौन हो बोथ ए एंड डी हो राइट आंसर देन देखा कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देखो द केमिकल दैट इज यूज टू रिफिन मैंगो। तो जो रहा कि फल पाचार कौ केमिकल को आम यूज कर क्वेश्चन देखे रिसेंटली आपत रही है जिते फल दुकान थे सब कुछ यूज करते कौन से रोच कार्बाइड जोटा कि रोच कैल्शियम कार्बाइड ऑप्शन टू हो रईट आंसर। तो देखो फास्ट संकेत गुड़ा कही रखुच्छे आपर यह रिजनटा कह तो जो रहा कि कैल्शियम कार्बाइड संकेत हो फॉर्मूला कौन यहाँ मन रखु CaC2 है कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट हूँ संकेत कैल्शियम सल्फाइड रहा कैल्शियम कार्बोनेट रहा तो कैल्शियम कार्बोनेट संकेत हो कौन CaCO3 CaCO3 तापर कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड हो कौन आप CaCl2 CaCl2 कैल्शियम सल्फाइड तो सल्फाइड हूँ CaSO4 ये रोच कौन आप सब तार फॉर्मूला। तो देखो ये जो कैल्शियम कार्बोहाइड जो रहा कैल्शियम कार्बाइड जो आप मॉइस्चर कंटाक्ट आसना से आपंकर को गैस रिलीज करता है यहाँ हूँ आप गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा जो कैल्शियम कार्बाइड आपंकर मॉइस्चर से जो जदि रिएक्शन कला आपंकर को गैस रिलीज करता है ना एसीटिलीन गैस को रिलीज करता है को गैस एसीटिलीन गैस को रिलीज करता है। तो ये एसीटिलीन गैस कौन करता है आपंकर फल पाचार साय देखा कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देखो
ড্যাশ ইজ কনকার্ড উইথ দ কনস্ট্রকশন রেকর্ড অফ অ ফাস্ট ক্লাইমেট অ্যান্ড এ ক্লাইমেট ইভেন্ট বাই অ্যানালিসিস অফ অ ট্রি গ্রোথ ক্যারেক্টারিস্টিক স্পেশালি গ্রোথ রিংস। তো দেখুন নিম্নলিখিত মধ্যরু কোটা আপন বা কাহার স্টডি কো ইনডাইরেক্ট আপনকৰ পচাৰিছে তো যোটা কি ৰহুচি আপনকৰ ক্লাইমেটৰ ফাস্ট ৰেকৰ্ড কো আপনৰ যো টিৰ গ্ৰোথ কো হি বেছ কৰিকে কৰা যায় থাকে যোটা কি ৰহুচি আপনকৰ ডেন্ড্ৰোক্লাইমেটোলজি অপচন 4 হে যো হে ৰাইট আনসার। তো বৰ্তা দেখি কি বায়োক্লাইমেটোলজি কো হিষ্টৰিকাল ক্লাইমেটোলজি কো আৰু জিওক্লাইমেটোলজি কো। বায়োক্লাইমেটোলজি হ'ল কোন আপনকৰ না দ স্টডি অফ ৰিলেচনশিপ বিটুইন ক্লাইমেট এণ্ড লিভিং অৰগানিজম लिविंग ऑर्गेनिज्म आउ आप क्लाइमेट भितर जो रिलेशनशिप रहा तार स्टडी को आम कौन कहे बायोक्लाइमेटोलॉजी कहे। हिस्टोरिकल क्लाइमेटोलॉजी कौन देखो हिस्टोरिकल क्लाइमेटोलॉजी हूँ कौन आपर आमर जो रही कि क्लाइमेट चेंज हो तार हिस्ट्री एवं यह किपरी आमर जो रहा कि सिविलाइजेशन किपर प्रभाव पकाचे तार स्टडी को आम कौन कहे हिस्टोरिकल क्लाइमेटोलॉजी कहे হেলা এইটা হচ্ছে আপনার ইম্পর্টেন্ট রয়েছে আকু আপনারা টিকে মনে রেখে থাকতো যে স্টডি অফ কাহা কোন কোয়া যাইতি এটা আপনার বহুত এক্সামরে মধ্যে দেখিবাকু মিলুছে। দ ওয়েট অফ অ্যান অবজেক্ট উইল বি মিনিমাম হোয়েন ইট ইজ প্লেস অ্যাট ড্যাশ এইটা মধ্যে ইম্পর্টেন্ট রয়েছে। গোটে অবজেক্টর ওয়েটটা সবুঠারু মিনিমাম কোট রহিব ম্যাক্সিমাম কোট এ দুইটা আপনার সাধারণত কোশ্চিন দেখিবাকু মিলতা সবুঠারু মিনিমাম রহুছে আপনার কোটে না দ সেন্টার অফ দ আর্থ কোট রহুছে আপনার সেন্টার অফ দ আর্থ आउ मैक्सिमम कौट रोचे आर द पोल रे आपनकर मैक्सिमम रहे गोटे ऑब्जेक्ट रो वेट आपन को सबटा मैक्सिमम कौट रहे पोल रे रहिबो एवं सेंटर सेटा कोन रहिबो सबुठारु कोन रहिबो मिनिमम रहिबो जो ड्यू टू होच आपन ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन एटा होच आपनकर वेरी वेरी इंपोर्टेंट अछि। तापर देखिबा कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान देखिबा कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दे देखंतु यूरिया ए कमनली यूज नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर इज ए प्रिपेयर बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड डैश। तो ये जो यूरिया रहा फर्स्ट यूरिया रो फॉर्मूला कथा कहबा तो ये कहिछि कि आपन को यूरिया रो जो आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर रहा एटा आपन को अमोनिया आउ का रिएक्शन रे तयारी करा जाउछ बस एति ही क्वेश्चन पचाछि। तो यूरिया रो संकेत होछ कोन बा फॉर्मूला होछ कोन आपन को CH4N2O आपन को कि सर एटा न हमें नेट रे भी देखु छु कोडा देखु छु ना NH2, CO, NH2 देखो ये दुटा सेम बिल्कुल भी अलग नुह CH4 ये जगह CH2, H2, CH4 सेम रही है। तो ये रोच कौन आप यूरिया फॉर्मूला ये जगह अमोनिया जो रहा कि आप अमोनिया फॉर्मूला हूँ कौन से भी मन रखु NH3। तो अमोनिया से किए मिसिकी आप दौर कि यूरिया दौर जोटा कि रोच कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन 1 है जो यार राइट आंसर ऑप्शन 1 है जो यार राइट आंसर। दे देखिबा कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिस देखंतु गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू ऑब्जर्व डैश एंड वायलेट लाइट लिविंग येलो लाइट। तो जो रहले कि गोल्ड और कॉपर आपनकर को लाइट को ऑब्जर्व करके आपनको येलो लाइट देइ थांती लिविंग कर थांती येलो लाइट ये होची आप लाइट चैप्टर क्वेश्चन लाइट चैप्टर आप जो रहा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखा मिले जो फ्रीजिंग रिलेटेड रहा मुझे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी जो साइंस क्लास जिते भी करी ना से रिलेटेड बहुत थर ताको डिस्कशन करवां से प्रीवियस क्वेश्चन सब देखी निपरअल साइंस रो टाइप क्वेश्चन आसूस आपने जापर। तो ये आप लाइट को ऑब्जर्व करते ना आपर ब्लू लाइट आउ आप वायलेट लाइट दुटा हूँ आपको इंपोर्टेंट अच्छे बेले बेले आपको दुटाक लाइट भी पचारिपे कि आप जो रहा कि गोल्ड और कॉपर आपंकर को लाइट को ऑब्जर्व करते है यहाँ इंपोर्टेंट अच्छे को लाइट को ऑब्जर्व करते वायलेट लाइट आउ ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करते है दे देखा कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल इज शोन बाय द हाई कंसंट्रेशन ऑफ डैश। तो देखो आपंकर कि आम जो रहा कि पीएचटा तेरे एसिड कनसनट्रेसन कथ पचारा है तो एसिड जो बेस रहा है क्या द्वारा मापुचे पीए स्केल तो पीए स्केल साधारण आम क्या यूनिट हाइड्रोजन को बेस कर नौ तो रईट आनसर कौटा हो देखो हाइड्रोजन ऑप्शन ए हो रईट आनसर
एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल इज शोन बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑप्शन वन हो राइट आंसर। तो देखो आपको जो रहा किए जितने आप जो कौन रहा जो सॉइलटा अधिक एसीडिक कहीं गोटे क्वेश्चन आता है कि आप जो सॉइलटा अधिक एसीडिक कौन पर था कि आम जो अधिका फर्टिलाइजर यूज कले यार सॉइल कौन प्रभाव पकेब जिते आम अधिका फर्टिलाइजर यूज करवा ना से सॉइलटा आम कौन हो एसीडिक नेचर हो जाए है तो आम बेस करने कौन से जो चून मिशा जो वन टाइप है यहाँ हूँ आप इम्पोर्टेंट रही देखा कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो डैश रेफर्स टू आन एनवायरनमेंट इन व्हिच ऑक्सीजन इज रेडिली अवेलेबल। तो देखो को माने डैश रेफर्स टू आन एनवायरनमेंट इन व्हिच ऑक्सीजन आज रेडिली अवेलेबल। तो कौटी आपंकर ऑक्सीजन रेडिली अवेलेबल था गोटे रोचे आप एरोबिक रिएक्शन आ गए हूँ अनारोबिक रिएक्शन ये पढ़ते जो थे कि ऑक्सीजन रहा है जो रिएक्शन कौन कहे एरोबिक रिएक्शन कहे जो न हो अनारोबिक रिएक्शन कहे तो राइट आंसर कौटा होगा ऑप्शन तीन हो राइट आंसर एरोबिक रेफर्स टू द एनवायरनमेंट इन व्हिच ऑक्सीजन आज रेडिली अवेलेबल ऑप्शन थ्री हो राइट आंसर। देन देखा कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये टी आप इंपोर्टेंट रही है ये आप टे इंपोर्टेंट रही कौन दे डैश इज डिफाइन आज द टेम्परेचर टू व्हिच द एयर वुड हाव टू कूल इन ऑर्डर टू रीच द सैचुरेशन है आर द ये जगह देखिए डैश डिफाइन आज द तो निम्नलिखित मध्य बस डेफिनेशन पचारे तो ये राइट आंसर है जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज डिफाइन आज द टेम्परेचर टू व्हिच द एयर वुड हाव टू बी कूल इन ऑर्डर टू रीच ए सैचुरेशन ऑप्शन ए हो राइट आंसर। तापर देखिए आप एयर टेम्परेचर कौन सरफेस टेम्परेचर कौन आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौन ए तीन टाक आम डिटेल डिस्कसन करवा देखो ए जगह जब आम सरफेस टेम्परेचर कहे जेकोसी गोटे सरफेस टेम्परेचर के मापा कहे बस एयर सरफेस टेम्परेचर आउ एयर टेम्परेचर आम जो इंडिविजुअल एयर टेम्परेचर के जोटा कि आम डिग्री सेल्सियस मापुचे से एयर टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटा टी हूँ आप इम्पोर्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी हूँ आप इम्पोर्टेंट तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हूँ कौन आप गोटे निर्दिष्ट टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस निर्दिष्ट टेम्परेचर आपंकर एयर मॉइस्चर केते अच्छी मैक्सिमम केते रहा कथा से दुई जनकर परसेंटेज को आम कौन कौचे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौचे बस से जिनस बुझार अच्छे किसी ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर टेम्परेचर और आप सरफेस टेम्परेचर तापर देखा कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन द सालाइनिटी ऑफ ओशन वाटर इज कैलकुलेटेड एट द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम डिजल्व इन ग्राम ऑफ सी वाटर है। तो ये जगह कहला कि आप जो रहा कि सालाइनिट वाटर जो आम सालाइनिट ओसेन वाटर सालाइनिट मापुचे अलरेडी मुझे आप ओसेनोग्राफी जो रहा आप कभरअप करके वन से ओसेनोग्राफी चैप्टर को विजिट जो वीडियो को विजिट करूँ आप जियोग्राफी जो क्लास वर्ल्ड जियोग्राफी क्लास कंटिन्यू चलो ओसेनोग्राफी विजिट करूँ आप डिटेल जापरेंगे मुझे डिटेल ओसेन विषय डिटेल कभरअप कर जगह। तो ये जो रहा कि आपको ओसेनो जो सरी आप जो रहा कि ओसेनो सालाइनिटी जो रहा तो सालाइनिटी कौ फैक्टर पर डिपेंड कर से सब को डिटेल कवरअप करेडी से जगह। तो आम कौ हिसाब से मुझे कही कौ हिसाब से मजाई थे पीपीटी हिसाब से पीपीटर फुल फॉर्म कौन पार्ट्स पर थाउजेंड ता मैंने थाउजेंड पार्ट में केते पार्ट आप प्रेजेंट रही है ता मैंने ये जगह रोचे थाउजेंड पार्ट व्वाटर आपंकर केते पार्ट सल्ट प्रेजेंट रही ता मान रोचे जो राइट आंसर हो ऑप्शन टू हो राइट आंसर हो। तो जो रहा कि सबुठ हाएस्ट सालाइनिटी जो वाटर बॉडी हूँ आप कौटा सबुठ अधिका सालाइनिटी वाटर बॉडी जोटा रही है गेटेल पॉन्ड कौटा रही है गेटेल पॉन्ड यहाँ हूँ इंपोर्टेंट रही गेटेल पॉन्ड है जोटा कि रही है पाखापाखि मानने एक लिटर में पाखापाखी आप 433 ग्राम आप कौन देखा मिलूँ 433 ग्राम सल्ट देखा मिलू इंपोर्टेंट अच्छी है। तापर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो तो ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। तो सबुठ हल्का मेटल कौटा ये आप वन टाइप गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही है गोटे हेवीएस्ट मेटल रिलेटेड भी कही थी है तो डेन्स मेटल रिलेटेड कही तो सबुठ जो रही है आप लाइटेस्ट मेटल रोच कौटा आप जोटा कि रही है लिथियम लिथियम डेनसीटा के डेन्स रोच के आप 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर आ सब डेन्स मेटल हूँ कौटा आपंकर अस्मियमटा रोच कौटा आपंकर अस्मियम तो यार डेनसीट के यार डेनसीट पाखापाखि आप 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये स्क्वायर नुह क्यूब है ये दुटा हूँ आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट रोचे। तापर देखा कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजेन इज डैश एलिमेंट नाइट्रोजेन आपंकर कौ प्रकार एलिमेंट
ऑप्शन देछि डायटोमिक टेट्राटोमिक पॉलीएटोमिक मोनोएटोमिक। तो देखंतु ई जो रहले के ये होछ सब डायटोमिक कोन मोनोएटोमिक कोन टेट्राटोमिक कोन ट्राईएटोमिक कोन पॉलीएटोमिक कोन ये सब आपण माने जानिथिबे। तो देखंतु डाया मोनोएटोमिक होछ कोन आपनकर ना गुटी ओनली गोटे मॉलिक्यूल ओनली वन एटम थिवो से परि से डायटोमिक होछ कोन ना आपनकर दीटा एटम थिवो ट्राईएटोमिक होछ कोन आपनकर तीनटा थिवो टेट्रा होछ कोन चारटा थिवो ए होछ आपनकर। तो नाइट्रोजन ता माने देखंतु मोनोएटोमिक जते रहउछ आपन नियोन गैस एनआई आर्गन ये सब आमे एमती ही लखुछे ना तापर डायटोमिक होछ देखंतु मो नाइट्रोजन एन2 लखुछ ऑक्सीजन ओ2 लखुछ बुझौछ नै कोंतु ट्राईएटोमिक ओजोन को ओ3 हिसाब रे लखुछ ए सब रहउछ कोन मोर मोनो डाइटाइट टेट्रा पॉली ए टाइप रो मोर सब आसुछ। त राइट आंसर कोन छ नाइट्रोजन रहउछ आपन को एटॉमिक ना डायटोमिक ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। तापर देखिबा कि आपन को नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड द प्रोपागेशन ऑफ अ साउंड वेव कॉल्ड डैश द स्टडी ऑफ अ प्रोडक्शन एंड प्रोपागेशन ऑफ अ साउंड वेव को हमें कौन कहे एटा मध्ये आपनकर इंपोर्टेंट रहउछि। ए राइट आंसर कोन हिजो एक्वास्टिक्स ऑप्शन 4 हिजो एक्वास्टिक्स ऑप्शन 4 हिजो एरा राइट आंसर। तो देखंतु ए जो रहले के आपनकर ऑप्टिक्स रहले ऑप्टिक्स हो आपनकर लाइट रिलेटेड रहउछि प्रोपागेशन ऑफ लाइट रहउछि आपन जो फोटोनिक्स रहउछि एटा रहले आपनकर फोटोनिक्स फोटोन फोटोन रे जगह आपन फोटोनिक्स ही आसी छे ना फोटोन ही आपन फोटोनिक्स ही आसी छे। तापर जो रहले कि आपन एटा होछि एस्ट्रोफिजिक्स तो रहले कि आपन एस्ट्रोलॉजिकल बॉडी ऊपर रिसर्च को हमें कहछि ये बहुत आपन लाइट रिलेटेड ये दीटा आपन लाइट रिलेटेड रहछि ना। तापर देखियो कि नेक्स्ट नेक्स्ट कोन दी देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप टू द ह्यूमन द एनवायरमेंट एंड द अदर ऑर्गेनिज्म। तो ए जगह इनडायरेक्टली कहछि द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड डैश द स्टडी ऑफ वार्ड इज कॉल्ड डैश ए बार्ड रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आसी ना द स्टडी ऑफ वार्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ वार्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज इथियोलॉजी आउ माइकोलॉजी होची कोन आपनकर माइकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। ये देखंतु कहा रिलेटेड कौन स्टडी मुझे आपको अधिक इंपोर्टेंट दूसरी कारण ये रिलेटेड आप गोटे क्वेश्चन देखा मिलूँ तो ताको बुले चुले आप जमी गोटे क्वेश्चन से रिगार्डिंग आप प्राय जेको साइंस क्लास गोटे ना गोटे क्वेश्चन डेफिनेटली नौ तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टी कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन रही कौन देखिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय डैश। तो जो रहा कि आपंकर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम देखो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मान टोटल कंट्रोल कहार रहइबो ना ह्यूमन बीइंग्स रो ही टोटल कंट्रोल रे रहबा दरकार ताकु ही हमें जाय कहबा कि आर्टिफिशियल ए धर दिछे एक्वेरियम दिछे एग्रीकल्चर लैंड दिछे पेसिकल्चर टैंक दिछे जू दिछे। तो आपन को सर ये सब ह्यूमन द क्रिएट करूछे त एहा भितर ऑल ऑफ द अबव हम राइट आंसर देखंतु मु कोन कहल टोटल कंट्रोल कहा पर दरकार ना आपनकर ह्यूमन पाखे रहबा दरकार आपन गोटे इकोसिस्टम सब इंपोर्टेंट फैक्टर किए हो टेम्परेचर लाइट फूड। तो टेम्परेचर लाइट मिले ही ऑटोमेटिक इकोसिस्टम रे फूड क्रिएट कर पार कि फर्स्ट देखो ये जो एग्रीकल्चर लैंड रे आपण मैंने फूड दौरान किए फूड दौरान किए फूड दौना कह सर आम पेशीकल्चर जो रही माछ चाष करें खावापी दाना दौ तेल आप टेम्परेचर केमाउंट दरकार पूरा दिन में अधिका टेम्परेचर नहीं सूर्य को आम घुंचे दे सेम कौच किए बुझौची ना लाइट अधिका लाइट है ढांकी दवा लाइट के आम राति लाइट को कंट्रोल करुचे दिन लाइट को कंट्रोल टोटल कंट्रोल कह दरकार ह्यूमन बीइंग दरकार तो राइट आंसर कौन है ओनली एक्वेरियम हम ऑप्शन वन हो राइट आंसर ओनली वन हो राइट आंसर। तो जो रहा कि आप जू रहा जू रहा समस्त कि जिते भी रहा कि जू रे जिते भी एनिमल रे समस्त नहीं कि आप खावा दौरान किसी अच्छा निजे भी खाद्य ये कर बुझेगा कि ना ये जिनस राइट आंसर ओनली कौन रही एक्वेरियम रही ऑप्शन वन हो राइट आंसर। देन देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दी देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द बायोकेमिकल लैबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी निम्नलिखित मधुर आपंकर कोटा गोटे बायोकेमिकल लैबोरेटरी बोली कहुआई था तो बायोकेमिकल लैबोरेटरी क्या कहुआई था ना लिवर को कहुआई था ऑप्शन फोर हो राइट आंसर। ये जगह आप बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविट होता है तो ऑप्शन फोर हो राइट आंसर। दे देखिवा कि आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द ब्रेन दैट हेल्प टू रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन रही कौन देखिए ह्विच अफ द फलोईंग हरमोन इज सिक्रेटेड बाय ब्रेन तो निम्नलिखित मध्ये कौन हरमोन आपण ब्रेन द्वारा सिक्रेट करा जाए तो जोटा कि रही है आप मेलाटोनिन ऑप्शन टू हो हेराइडेंस मेलाटोनिनटा आपंकर को ग्लांड रु सिक्रेट होता है पेनाल ग्लांड रु सिक्रेट होता है कौटू आपंकर पिनाल ग्लांड रु आपंकर सिक्रेट होता है फास्ट जानते तापर देखिए कि आप जो रहा कि आपंकर जो रहा कि नेक्स्ट रहा कि आपंकर इन्सुलिन इन्सुलिन आप सिक्रेट होता है पांक्रिया जो सिक्रेट होता है तापर आप जो रहा कि ऑक्सीटोसिन आपंकर कौटू प्रड्यूस होता है जोटा कि रही है आप हाइपोथैलेमस ग्लांड रु प्रड्यूस होता है इंपोर्टेंट जितक रही को ग्लांड कौन रिलीज होता है सीटा मुझे आपको गोटे गोटे कही देखो मु प्रायत ट्राए कैर कि आपंकर एव्री ऑप्शन को डिटेल कहवापी जोटा कि मुझे जानी थे ट्राए करके अलग सोर्सेस डाटा कलेक्शन करें जोटा मो द्वारा संभव हुए मुझे ट्राए करके से समस्त ऑप्शन को डिटेल आपापी जमीक आपटे ऑप्शन को देखिले ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड मध्यम भी एग्जाम क्वेश्चन आंसर करके आसपारे ना मुझे यहाँ जाणी कि यहाँ जाणी से हिसाब से आपने काटिकी करके आसपारे है तापर देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपन जब ये सब टाइप रो प्रोसेस भल लगुच तो काइंडली वीडियो को टी सेयार करूँ जमी बहुत अधिका पिला चैनल एंगेज हो पाए है देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन द ह्यूमन सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी डैश दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च एंड ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सुगर तो देखो आप निम्नलिखित मध्य कौटा आपंकर स्टार्च और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सुगर परिणत कर निम्नलिखित मध्ये कोडा ना जोड़ा रही है एमएलएस ऑप्शन टू हो रहा राइट आंसर एटा आपनकर बहुत थर रिपीट रोच क्वेश्चन एग्जाम बहुत थर एग्जाम क्वेश्चन रिपीट रोच ओके फाइनल जीवा आज आपनकर लास्ट क्वेश्चन के तो जो रहले कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपनकर डिस्कशन कर भी सारी है जो रहले कि आपन जो स्वेट रहला जो झाड़ रहला तो सेटा आपनकर गैस करिता तार रीजन होच कोन जोड़ा रही तार रीजन हूँ बैक्टेरिया ऑप्शन तीन हो रईट आंसर है जगह आप एसीड रिलीज हुए यहाँ कही सारी बस कमेंट बक्स यार आंसर कर दिंतु एवं रईट आंसर को मुझे पिन करदेवि नचे मुझे कमेंट रे आंसर करके पिन करदेवि बिलकुल भी ओरीड हूँ ना ये ओवरअल भिडटे आपंपी जदि आपको भिड भल लगी भिड गोटे लाइक करेंगे सांग मैंने सेयार करेंगे टेलीग्राम चैनल जॉइन करी जी यार पीडीएफ से जगह आपको अवेलेबल हो धन्यवाद।